आपको बता दें, पीएनबी घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर इस समय की, पीएनबी घोटाले का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका इस मामले में दाखिल की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष, लगता है इस देश में हर चीज का सोल्यूशन कोर्ट के पास ही है, सरकारें तो फेल है। देखिए, जाहिर तौर पर तभी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जब भी ऐसे बड़े घोटाले होते हैं, चाहे वो सूजी स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, चाहे वो कोयले का घोटाला हो, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की जाती है और उसके बाद जो जांच होती है वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। शायद एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बहरहाल, एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी के टीम का गठन किया जाए जो पूरे मामले की जांच करे और खुद सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे। जो भी इस मामले की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। देखना दिलचस्प होगा सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करेगा तो कोर्ट का क्या रुख रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए।